सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सुविधा करने के बाद हमीरपुर में लोगों को घर द्वार पर किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं ऑनलाइन डिमांड पर लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालकर बुक सेलर को भेजा जा रहा है और मैसेज मिलने के तुरंत बाद किताबें घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र उठाए गए कदम की लोग भी सराहना कर रहे हैं। हमीरपुर में बुक सेलर्स के द्वारा फिलहाल शहरी एरिया को कवर किया जा रहा है और ऑनलाइन डिमांड पर किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमीरपुर के बुक सेलर नरोत्तम आर्य ने बताया कि ऑनलाइन सप्लाई का अच्छा कदम है और इससे लोगों को घर के पास किताबें उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो डिमांड कम आ रही थी, लेकिन अब लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और घर पर ही लोगों को डिमांड के अनुसार किताबें पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जितने पैकेट एक दिन में तैयार किए जा रहे हैं उन्हें अगले दिन डिलीवरी के लिए भिजवाया जा रहा है। ऑनलाइन सप्लाई का ये अच्छा एक कदम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें ऑनलाइन बुक्स सप्लाई करने के लिए बोला था और पहले तो हमें ये लगा था कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिछले दो दिन से हमने पहले एक दिन स्कूटर पे इसको अपने स्कूटर पे पहले 14 पैकेट सप्लाई करे, उसके बाद हमने कल 33 पैकेट जो है ऑनलाइन हमने सप्लाई करे। उसमें हम ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे ग्राहकों के ऑर्डर ले रहे हैं पहले, फिर उसके बाद उसका पैकिंग कर रहे हैं। जब दुकान खुली नहीं होती, दुकान बंद होती है, उसके बाद हम दो लोग हमने इसको पैकिंग के लिए लगाए हैं। जितने पैकेट हम तैयार कर पा रहे हैं उतने पैकेट अगले दिन, फिर उसके अगले दिन हम सप्लाई कर दे रहे हैं। इसमें मोबाइल नंबर दे रखा अपना एक, उस पर लोगों के फ़ोन हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल नंबर दे रखा उस पर जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम ऑर्डर जो है MC एरिया के हम सप्लाई कर पा रहे हैं। MC एरिया के बाहर हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। तो MC एरिया में जितने लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं उसमें हम 70% ऑर्डर जो है वो सप्लाई कर चुके हैं इस वक्त। लोगों का कैसा रिस्पांस है वैसे? लोग चाहते हैं कि हमें अपने घर पे पुस्तकें मिल जाएं। कुछ एक दिक्कत यह आती है कि कई बार ऐसा होता है उनका घर दूर होता है, वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाती है, तो हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो रोड पे आ जा रहे हैं, उनकी गली में आ जा रहे हैं, वहाँ पे उनको हम पैकेट दे रहे हैं। स्थानीय निवासी कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए घर द्वार पर किताबें मिलना बहुत ही बढ़िया कदम है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद किताबें लाने की समस्या बन रही थी, लेकिन घर के पास ही किताबें मिलने से अब बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सरकार ने, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि लोगों को पढ़ाने में तो परेशानी हो रही है लॉकडाउन के दौरान और शहर में भीड़ लग रही है, इसी के कारण सरकार ने अच्छी पहल की है कि जो बुक्स हैं वो उनको घर में ही दी जाए। वहीं इस बारे में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा का कहना है कि हमीरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल माना जाता है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए सरकार के आदेशों के अनुसार किताबें मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं आम जनता को परेशानी न हो इसके लिए बुक सेलर के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर लोग किताबें अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। हमीरपुर एजुकेशन के रेस्पेक्ट में काफी एडवांस है, लोग डिमांड भी है, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि शायद भीड़ ज़्यादा हो, तो उसके रेस्पेक्ट हमने जितने भी होलसेलर्स हैं जो बड़ी जो बुक्स रखते हैं उनकी लिस्ट बनाई है, उनको हम पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर जो जो बुक्स आपको चाहिए वो लिखवाएं और एट डोर स्टेप आपको बुक्स पहुंचवा दी जाएगी, क्योंकि तो छोटी सी कॉपी पेन और इसके लिए आप या बुक्स के लिए अगर आप बाहर से हो तो उसमें लिखवा सकते हो और हम दे विल डिलीवर एट डोर स्टेप।